नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीरज और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। तो चलिए, दिनभर की तमाम खबरों के बाद अब रुख करते हैं हल्द्वानी की कुछ मुख्य खबरों की तरफ। हल्द्वानी शहर में कोविड मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यहां के सोबन सिंह जीना बेस अस्पताल में अब खांसी, जुकाम और बुखार के मरीजों की कोरोना जांच अनिवार्य कर दी गई है। बेस अस्पताल में खांसी, जुकाम और बुखार के मरीजों के लिए अलग से ओपीडी भी बनाई गई है। अस्पताल में बीते दिन से अब तक सबसे ज्यादा 60 मरीज कोरोना के ही सामने आए हैं। वनबुलपुरा पुलिस ने स्मैक तस्करी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लगभग 20 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। तीनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। हल्द्वानी में मृदुला नारी शक्ति क्लब द्वारा एक निजी बैंक्वेट हॉल में तीज महोत्सव आयोजित किया गया। प्रोग्राम में मल्टीकल्चर थीम को अपनाते हुए राजस्थानी, पंजाबी, कुमाऊनी, महाराष्ट्रियन और बंगाली आदि कल्चर्स को डांस और एक्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। हल्द्वानी में कल शाम से ही बारिश का दौर शुरू हो गया था, जिसके असर आज भी देखने को मिला। आज भी हल्द्वानी शहरों के सड़कों पर पानी भरा हुआ दिखने को मिला, साथ ही नालों में जल भराव के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। हालांकि आज दिन से बारिश नहीं हुई है, लेकिन मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहने के आसार जताए हैं, जिसके चलते अलर्ट भी जारी किया गया है। हल्द्वानी स्थित उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में नए सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू होने जा रही है। विश्वविद्यालय द्वारा आज इस संबंध में सूचना जारी कर दी गई है। प्रवेश प्रभारी डॉक्टर MM जोशी ने बताया कि प्रवेश ऑनलाइन संचालित होगी और 31 अक्टूबर तक प्रवेश होंगे। तो हल्द्वानी की मुख्य खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN News के साथ। धन्यवाद।